हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीडीसी ट्यूटर के मेडिसिन सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन हिमालया हर्बल कंप्लीट केयर टूथपेस्ट के बारे में। जी हाँ, हिमालया का हर्बल कंप्लीट केयर टूथपेस्ट एक आयुर्वेदिक टूथपेस्ट होती है जिसमें सारे के सारे कंटेंट आयुर्वेदिक और हर्बल मिले हुए होते हैं, जो कि आपके ओरल कैविटी के अंदर जो भी समस्याएँ होती हैं, जी हाँ, जब आपका दांत में दर्द होता है, मसूड़ों में जब सूजन हो जाता है, मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है, मुँह से बदबू आता है, दांत में समस्या होती है, दांतों का पीलापन होता है, मतलब दांतों से और मसूड़ों से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है उसको दूर करने के लिए ये हिमालया का हर्बल कंप्लीट केयर टूथपेस्ट दिया जाता है, लगाया जाता है, इससे टूथ का पेस्ट किया जाता है और इसका अच्छा असर देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में बात करेंगे हिमालया के हर्बल कंप्लीट केयर टूथपेस्ट के अंदर मेन साल्ट, मेन कंपोजिशन क्या क्या मिला होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, इसके काम करने का तरीका यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका, इसका डोज, इसका प्रिकॉशन, इसका साइड इफेक्ट, मतलब इस टूथपेस्ट की हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना होने पाए। जी हाँ, हिमालया का हर्बल कंप्लीट केयर टूथपेस्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफेक्टिव टूथपेस्ट होता है, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट होता है जिसके अंदर मेन साल्ट, मेन कंपोजिशन, जी हाँ देख लेते हैं, त्रिफला मिला होगा, फाल्स ब्लैक पीपर काली मिर्च मिली होगी, फाइव लीव्ड चेस्ट ट्री मिला होगा, इंडियन गम अरेबिक ट्रीज के द्वारा मिला होगा, नीम के कंटेंट होते हैं, साथ ही साथ पोमेग्रेनेट फ्रूट यानी अनार का फल, इन सारे नेचुरल और आयुर्वेदिक कंटेंट के द्वारा ये कंप्लीट केयर टूथपेस्ट हिमालय बनाता है। मैन्युफैक्चर की बात कर लें तो हिमालय ड्रग कंपनी इसको बनाती है, रूम टेम्परेचर पर इसे स्टोर कर सकते हैं और 150 ग्राम के एक ट्यूब की कीमत लगभग 80 से 90 रुपये के आसपास मिल जाती है। बात करेंगे इसके उपयोग की, जी हाँ, मेनली हिमालय का जो हर्बल कंप्लीट केयर टूथपेस्ट होता है वो आपके डेंटल प्लॉक, जी हाँ, जब आपके दांतों पे क्या होता है, एक लेयर जम जाता है, प्लाक होता है बैक्टीरिया का, म्यूकस का, और जो फूड वगैरह आप खाते हो उसका एक डेंटल लेयर बन जाता है, प्लाक बन जाता है, उसको रिड्यूस करता है, उसको किल करता है, जो हमारे बैक्टीरिया उसको किल करेगा, साथ ही साथ स्वालिन गम, जी हाँ, मसूड़ों में जब सूजन हो जाता है उसको दूर करेगा, हेल्दी गम आपके मसूड़ों को स्वस्थ बनाएगा, दांतों को स्ट्रांग बनाएगा, साथ ही साथ आपकी ब्रीथ को, आपकी सांस को, बदबूदार जो सांस आ रही थी उसको अच्छा बनाएगा, साथ ही साथ ये गम की ब्लीडिंग, मसूड़ों में जब ब्लीडिंग होती है, इन्फ्लामेशन होता है, उसको प्रिवेंट करेगा और 12 घंटे तक लगभग जम से प्रोटेक्शन, बैक्टीरिया वगैरह लगने नहीं देगा, इतना अच्छा होता है। साथ ही साथ इसके लगाने के बाद, इसको करने के बाद फ्रेश ब्रीथ, बहुत ज़्यादा देर तक आपको अच्छी सांसें आएंगी, साथ ही साथ प्लाक जो हमारा बन रहा था उसको बिल्डअप होने से रोकेगा। तो मतलब ये सारे इसके उपयोग देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही अच्छा पेस्ट माना जाता है। बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे काम करता है। देखिए, जो इसमें अलग अलग कंटेंट है सबका अलग अलग रोल होता है। सबसे पहले बात कर लेंगे पोमेग्रेनेट फ्रूट यानी अनार का फल होता है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, एस्ट्रिंजेंट की प्रॉपर्टी होगी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होगी, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होगी, जो कि डेंटल प्लाक, जो बैक्टीरिया के द्वारा, म्यूकस के द्वारा जो फूड वगैरह का डिपोजिशन प्लाक बन रहा है उसको रिड्यूस करने में, उसको कम करने में मददगार साबित होता है। नीम की बात कर लें तो नीम का छाल होता है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है, एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी होती है और सबसे बड़ी एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तो जो भी बैक्टीरिया वगैरह मुंह में बदबू ला रहे हैं, पायरिया कर रहे हैं, दांतों और मसूड़ों में सूजन ला रहे हैं उसको दूर कर देगा। त्रिफला की बात कर ले तो इसके अंदर भी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होता है, जो कि मसूड़ों से जब ब्लीडिंग आती है, खून बहता है, माउथ में अल्सर वगैरह आ जाता है, छाले हो जाते हैं, उसको ठीक करने के लिए उपयोगी साबित होता है। फाल्स ब्लैक पीपर की बात कर ले तो इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, जो कि मसूड़ों में जब सूजन हो जाता है, स्वॉलिन गम होता है, उसको ठीक करने में उपयोगी साबित होता है। फाइव लीव्ड चेस्ट ट्री की बात कर ले तो इसके अंदर ओरल एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, एनाल्जेसिक मतलब दर्द वगैरह होता है दांतों में उसको ठीक करेगा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होगी, मतलब ये जो अलग अलग कंटेंट है सबका अलग अलग रोल होता है और आपका जो दांत दर्द हो रहा है, मसूड़ों में सूजन हो रहा है, मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है, दांत का पीलापन है, प्लाक है, साथ ही साथ जो मुंह से बदबू आ रहा है, इन सारी समस्याओं से ये कंटेंट अपना अपना रोल दिखा के निजात दिलाते हैं। बात करेंगे इसके डायरेक्शन फॉर यूज के, कैसे इसे यूज करना है। तो देखिए, अपने टूथब्रश पे स्मॉल अमाउंट आपको पेस्ट का स्क्वीज करना है, उसको अच्छे से अपने ब्रश से टीथ में थॉरली यानी बहुत अच्छे से उसको करना है और उसके बाद आपको अपना
मुंह धुल लेना। इसको आप दिन में दो बार इस पेस्ट को कर सकते हो, सुबह शाम कर सकते हो, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा है, आपकी जो समस्या है ओरल कैविटी से वो हमारी दूर हो जाए। बात करेंगे इससे जुड़े कुछ प्रिकॉशन की, तो इस पेस्ट को सॉलो ना करें, ओरल कैविटी में झाग बना के इसे धुल लें। बच्चों की बहुत से इसे दूर रखा जाना चाहिए। इसे कूल प्लेस, ड्राई प्लेस और डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखें। साथ ही साथ इस्तेमाल करने से पहले इसके लेबल का डायरेक्शन अच्छे से जरूर पढ़ें। बात करेंगे इससे साइड इफेक्ट की, तो जैसा कि हमने बताया हिमालय का हर्बल कंप्लीट केयर टूथपेस्ट कंप्लीटली हर्बल आयुर्वेदिक कंटेंट के द्वारा मिलकर बना होता है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, जो कि अदर जो हमारी टूथपेस्ट आती है उनके कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा विकल्प माना जाता है। सो डियर स्टूडेंट, ये था हिमालय का हर्बल कंप्लीट केयर टूथपेस्ट। जी हाँ, एक ऐसा आयुर्वेदिक हर्बल टूथपेस्ट जो कि दांत दर्द हुआ, मसूड़ों में सूजन हुआ, मसूड़ों से खून आना, साथ ही साथ जो दांतों का पीलापन होता है, मुंह से बदबू आना, इन सारी ओरल कैविटी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसमें बहुत ही अच्छा असर दिखाता है। और इसको डॉक्टर भी और आम आदमी भी खुद से कंज्यूम करते हैं। इस टूथपेस्ट की जानकारी आपको कैसी लगी? अगली मेडिसिन, अगली दवाई, अगला पेस्ट किसके बारे में बताएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी तरीके से हिमालय के और भी जितने भी टैबलेट सिरप की जानकारी चाहिए, डाबर की टैबलेट सिरप की जानकारी चाहिए, बैद्यनाथ की चाहिए, जितनी भी आयुर्वेदिक से अंग्रेजी की दवा की जानकारी चाहिए, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच डियर, ऑल द वेरी बेस्ट।